नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे सीटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले आठ बरसों से शेर को सवा शेर नहीं मिला था और इसीलिए मोदी जी की राह आसान होती चली गई। किसी पर उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगा दिया, किसी पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, किसी पर नौसिखिया होने का आरोप लगा दिया और राह आसान होती चली गई। लेकिन अब शेर को सवा शेर मिलने जा रहा है और इसीलिए मुकाबला, यकीन मानिए, दिलचस्प होगा। अब जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली की तरफ निगाह की है, बिहार का मिजाज बदलने लगा है। अब वो चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो या फिर लालू परिवार हो, सब के सब ऐसा लगता है कि जैसे नीतीश कुमार को बैक कर रहे हैं और पटना एक सपना दिख रहा है कि बिहार से कोई निकलकर मोदी को चुनौती दे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। यानी जो बयार है वो बिहार से बहे और इधर बिहार का मिजाज बदल रहा है और उधर दिल्ली में मोदी और शाह की बेचैनी पड़ रही है। अब दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार में 11 अगस्त को, जी हां, तारीख नोट करें, 11 अगस्त को ऐसी संभावना है, एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है पटना में और आप कह सकते हैं सत्ता की बाजी पलटने जा रही है और नीतीश कुमार पिछले 8 बरसों में मोदी और अमित शाह को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देने जा रहे हैं। और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप सुनेंगे अभिषेक कुमार से, अभिषेक कुमार जो हथेली की तरह बिहार को जानते हैं और जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक करी कि बिहार में उलटफेर होने जा रहा है, खेला होने जा रहा है। तो आप अभिषेक कुमार को भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तेजी से, उसमें जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार ने जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सबको पटना बुला लिया है और तेजस्वी ने भी, जी हाँ, आरजेडी ने भी अपने जितने विधायक हैं सबको पटना बुला लिया, सांसद को पटना बुला लिया है। कांग्रेस में भी हरकत है, लेफ्ट जिसके 16 विधायक हैं वो भी हरकत में हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बीच नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से 2 बार टेलीफोन पर बात की। नीतीश कुमार कई और विपक्ष के नेता के संपर्क में हैं, उसमें प्रमुख हैं सीताराम येचुरी, लेफ्ट के नेता, उनके भी संपर्क में हैं और जेडीयू के जो खास बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के राइट और लेफ्ट आप कह सकते हैं, जैसे ललन सिंह हुए या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये जो कैमरे पर बोल रहे हैं, इशारा मिल रहा है कि भविष्य में कुछ होने जा रहा है। सुनिए, सोचने वाले क्या सोच रहे हैं उनकी मर्जी, लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है, कब तक चलेगा, अब कब तक चलेगा, ये अब कोई भविष्यवक्ता तो हम है नहीं। नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई, अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। अब बिहार के पूरे की अंदर की जानकारी तो आपको मिलने जा रही कि गवर्नर जो है वो मोदी से क्या बात कर रहे हैं, संजय जायसवाल जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो किसके संपर्क में, अमित शाह क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खेमे में क्या हो रहा है, तेजस्वी के खेमे, ये सारी जानकारी आपको अभिषेक देंगे। लेकिन मैं कुछ बातें आपको सहजता से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ठीक है, इस बार साथ उनको जो है किसी और का मिलेगा, पुराने साथी को छोड़ देंगे, साझेदार को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स देखें, तो जो संख्या बल है, जो बिहार विधानसभा के जो नंबर गेम है विधायकों के, वो जाहिर करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, बीजेपी को छोड़ के दूसरी जगह पर आना रास्ता बहुत आसान है और गवर्नर चाहे कुछ भी कर लें, नंबर में इतना दम है कि मोदी जी और अमित शाह
सिर्फ बेचैन होने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं। आप संख्या बल देखिए, इस वक्त जो एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में 127 है, बीजेपी के 77, जेडीयू के 45, अदर्स 5 हैं, 127 की संख्या आती है। और अगर आप महागठबंधन देखें जिसमें आरजेडी लेफ्ट है और साथ में कांग्रेस और एआईएमएम है, और ये जो संख्या बल है, ये जो सदन की आपने स्ट्रेंथ देखी पार्टीज की, उसमें नीतीश कुमार के लिए खेल वाकई बहुत आसान है। उनको बीजेपी का साथ छोड़ना है और एक नया साथ अपना लेना है, एक ऐसा साथ जो एक विचारधारा पर आधारित है। इसलिए नीतीश का जो आप कह सकते हैं कि जो नया गठबंधन है उसमें दरार इतनी जल्दी पड़ने वाली नहीं है। और वैसे भी बिहार की जो राजनीति है मुख्य धारा की, वो समाजवादी ही रही है। अब दोस्तों, बिहार के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर मैं पिछले कई महीनों से आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ, लगातार, या यूँ कह सकते हैं आप कि सबसे पहले बहुत सी खबरें आपको ब्रेकिंग मिली बिहार को लेकर, नीतीश वर्सेस मोदी को लेकर, जब गोदी मीडिया पूरी तरह चुप थी उस वक्त भी आप देख रहे थे। अगर आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ पर जा सकते हैं, कई वीडियोज़ हैं मेरी टाइमलाइन पर, आपको मिल जाएंगे, आप उनको क्लिक करें और आप पूरा बैकग्राउंडर समझ सकते हैं, पूरी पृष्ठभूमि समझ सकते हैं कि खेल का असली कारण क्या है, क्या वजह है और कहां से शुरू हुआ। लेकिन अब चूंकि बात है कि साहब शेर को सवा शेर मिला है, मुकाबला दिलचस्प है, तो एक बार नीतीश और मोदी, जी हां, नीतीश और मोदी जी के बीच कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। और अगर आप ये चार्ट देखें तो अगर एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो 1998 में ही उस सरकार में आ गए थे, जी हाँ, अटल जी के साथ थे और रेल मंत्री भी थे, कई और मंत्रालय भी उनके पास थे, 24 साल का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट है। और मोदी जी का मुझे लगता है कि वो 2001 में आए हैं, तो आप मान के चलिए कि उतना एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस कम है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो 7 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, 3 बार मोदी रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि उनका एक विवादास्पद टेन्योर रहा जब वहाँ पर राइट्स हुए थे। यहाँ तक केंद्रीय मंत्री की बात है तो केंद्रीय मंत्री मोदी कभी नहीं बने, मोदी मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने हैं, और नीतीश कुमार 2-2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। प्राइम मिनिस्टर की जहाँ तक बात है तो अभी ये मौका मिलना है और शायद यही पायदान चढ़ना चाहते हैं जिसमें बिहार के ज़्यादातर नेता उनको बैक कर रहे हैं नीतीश कुमार को। मोदी जी आप जानते हैं कि साहब 2री बार प्रधानमंत्री बने हैं और 3री की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए रोड़ा जो बीच में है वो नीतीश कुमार हैं। एजुकेशन में जहाँ पर मोदी जी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, मान लेते हैं ग्रेजुएट हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक मेधावी इंजीनियर थे और बकायदा डिग्री से लेकर सब कुछ उनके पास है, उसमें कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक मुकदमों की बात है तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर ऐसा कोई गंभीर मुकदमा नहीं है, मोदी जी भी इस पर आप कह सकते हैं उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन रॉयट्स के टाइम पर बहुत से उन पर आरोप लगे थे और तमाम जाँचें हुई थी, बहरहाल क्लीन चिट है। करप्शन के चार्जेस ना नीतीश कुमार पे हैं ना मोदी जी पे, हालांकि आजकल राहुल गांधी उन पर कॉरपोरेट के साथ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने के लिए, अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए तमाम उन पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन करप्शन का, भ्रष्टाचार का सच मोदी पे कोई चार्ज नहीं है। और जहाँ तक ओरेटर की बात है तो मोदी जी गुजरात से आते हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन फिर भी भाषण अच्छा देते हैं, पब्लिक को अपनी तरफ खींचते हैं, और नीतीश तो भाषण में माहिर हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा है, और हिंदी पट्टी में आप कह सकते हैं कि जिस वक्त वो, अगर वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते हैं, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो नीतीश का एक एक शब्द सुनने लायक होगा। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद से पूरी तरह मुक्त हैं नीतीश के, ना ही पिताजी और ना ही पुत्र, दोनों का राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो ये एक मैंने कंपेरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करी, आगे और इस पर मैं अपडेट करता रहूँगा। आप जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या है, पटना में हो क्या रहा है, समीकरण कैसे तेजी से बदल रहे हैं, अभिषेक कुमार के पास चलते हैं और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार ने ही ये सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी 4 PM पे अपने चैनल पर, और उन्होंने कहा था कि बिहार में बहुत तेजी से समीकरण बदलने जा रहे हैं, और इशारा था साफ कि आरजेडी और जेडीयू, नीतीश और लालू फिर मिलने जा रहे हैं। अभिषेक, अभी जो आपकी आज बातचीत हुई है आरजेडी में, जेडीयू में, सब में, पटना में, आज का अभी ताजा अपडेट क्या है?
दीपक जी, ताजा अपडेट यही है कि राज्यपाल कल वापस पटना लौटे हैं, आज पुनः दिल्ली पहुंच गया है, तो इसको लेकर बिहार में एक शंका का माहौल व्याप्त हो गया है कि राज्यपाल, जब राज्य में इतनी क्रूशियल स्थिति है, राज्यपाल अचानक दिल्ली क्यों आए हैं? क्या नई दिल्ली राजभवन के सहारे कोई खेल करने की कोशिश तो नहीं करेगी? लेकिन सवाल ये उठता है कि राजभवन की भूमिका तब शुरू होती है जब राजभवन या राज्यपाल ये कहे कि मुख्यमंत्री को कि आप बहुमत साबित कीजिए, और मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में विफल हो जाए या उसके पहले उद्धव ठाकरे की तरह इस्तीफा दे दे। तो सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पजलिंग क्वेश्चन ये बना हुआ है कि राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली क्यों आ गए हैं, इस समय उनकी जरूरत वहां है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि कल रात अचानक संजय जायसवाल, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, उनको दिल्ली तलब किया गया, वो पटना पहुंचे हैं। और कई सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पटना में बीजेपी विधायकों को जो जहां है पटना पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होनी है पटना में, या लेकिन वो सीक्रेट मीटिंग करके करेंगे क्या, इस पर लोगों की शायद उतनी नजर नहीं है। और नजर नहीं होने के पीछे कारण यह है कि विपक्षी खेमे के पास 164 एमएलए अभी के समय में है, 243 सदस्यीय विधानसभा है, क्योंकि अनंत सिंह जो बाहुबली विधायक थे राजद के, एक केस में सजायाफ्ता हो गए, उनकी सीट वैकेंट है, उस सीट को वो वैकेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी सीट, उनकी सत्ता चली गई है। तो 242 में 164 विपक्ष के पास अब मौजूदा समय में नीतीश और तेजस्वी के संभावित गठबंधन के साथ है, और एक सीट जो अख्तरुल इमाम AIMIM ओवैसी की पार्टी के एमएलए है, अब वो भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे, भले उन पर बी टीम होने का आरोप लगे, रहेंगे तो वो इधर ही, तो उनको जोड़ ले तो 165 का आंकड़ा है। तब इन 165 के खिलाफ बीजेपी के पास 177 एमएलए है, उसके दम पे कुछ नहीं हो सकता। अभिषेक, हमको जो लगता है कि बीजेपी पूरी तरह अलग थलग रह जाएगी, और ऐसी हालात, इस तरह की जो परिस्थिति है वो बीजेपी के साथ किसी भी राज्य में नहीं होगी कि जहां बीजेपी एकदम से आप कह सकते हैं अलग थलग होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार की गिनती है, जो संख्या बल है सदन का, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि भरपूर समर्थन, चाहे वो लेफ्ट के विधायक हों, चाहे वो RJD है, चाहे वो कांग्रेस है, सब नीतीश के साथ हैं, यानी बीजेपी का एक जबरदस्त विरोध है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये सरकार बनती है, जिसका सबसे पहले प्रेडिक्शन आपने किया, अगर ये सरकार बनती है, नया कॉम्बिनेशन उभर के सामने आता है पाटलिपुत्र में, जिसमें एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ सारे लोग हैं, मेरा जो जानने की जो दिलचस्पी है वो ये है कि क्या तेजस्वी सरकार में रहेंगे, या फिर तेजस्वी के जो विधायक हैं वो सरकार में रहेंगे, या RJD बाहर से सपोर्ट करेगी, या भीतर रहेगी लेकिन तेजस्वी बाहर रहेंगे, ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा दीपक शर्मा जी, कि मैं यदि आपको कहूं कि दीपक शर्मा जी मैं आपके चैनल को खत्म कर दूंगा, तो क्या आप मुझे अपने चैनल पे बुलाएंगे? जी, इसका जवाब नकारात्मक होगा। अगर कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के पटना में ये कहे कि देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां हम खत्म कर देंगे, ये JP नड्डा का बयान है पटना में, और उसी के बाद तेजी आई है इस पूरे घटनाक्रम में, आप ध्यान दीजिए, एक सप्ताह भी नहीं हुए उस बयान को, उसके बाद ही तेजी आई है। तो ऐसे हालात में कोई CBI ED से डरेगा या अपनी पार्टी की सोचेगा? जब कहा जाए कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे, तब तो सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू होंगे। और रही बात तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने की, इस बारे में दो तरह की बातें चल रही है, एक कि वो सरकार में शामिल होंगे, वही दूसरी धारा जो दूसरे सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल होगी, उनके मंत्री बनेंगे, CBI ED के संभावित खतरे को देखते हुए, क्योंकि आजकल तो विपक्ष ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है, CBI ED की भी वही हालत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अपोजिशन, ये उसके साथ शायद कहीं चस्पा भी हो जाना चाहिए। हम लोगों ने भी UP लोकसभा आयोग के हमारे साथियों ने अगर किया था जो, तो एक जाति विशेष का नाम लिख दिया था .. सेवा आयोग। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की परिस्थितियां जब विद्यमान है, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। सोनिया गांधी से 3 बार कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंतराल पे बात हुई है नीतीश कुमार की, वो सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। माले अंदर या बाहर से, यानी लेफ्ट फ्रंट के जो 16 MLA है, माले, CPI और CPM, तीनों के पास बिहार विधानसभा में संख्या बल है, ये तीनों अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेफ्ट पार्टियों का इतिहास यही रहा है, लेकिन वो कभी सपोर्ट विड्रॉ नहीं करते, एक बार करात वाले मनमोहन सिंह के दौर को छोड़ दें। जी, तो बिहार की जो परिस्थितियां हैं उनमें स्पष्ट है कि संख्या बल
नीतीश और तेजस्वी की संयुक्त ताकत के साथ है। और जब लोकतंत्र में संख्या बल एक तरफ होता है तो बड़े बड़े महारथियों को संख्या बल के सामने सिर झुकाना पड़ा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अमित शाह और मोदी जो चाहते थे कि 2024 तक नीतीश कुमार उनके साथ रहें, नीतीश कुमार की उनकी साझेदारी रहे, सो दैट लोकसभा में बीजेपी अलग ना पड़ जाए, बीजेपी को एक्सपेक्टेड नंबर्स यहाँ से मिले बिहार से, तो अमित शाह भी झुके, मोदी जी भी झुके, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं है। तो क्या जो साजिश थी नीतीश जी के खिलाफ वो बहुत गहरी थी कि झुकने का कोई असर नहीं है, या फिर नीतीश समझ गए हैं कि जो गुजरात लॉबी है ये इसी तरह से इनके जुबान पे कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इस तरह की कोई बात है कि नीतीश अब इनका साथ नहीं लेना चाहते, अंदर की कहानी क्या है? कल मेरी जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सोर्सेज से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, जो मैंने बिल्कुल यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा, कि बिहार से एक लार्जर चंक ऑफ एमपी चुन के जाते हैं जब नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होते हैं। आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में किसी राज्य ने मैंडेट नहीं दिया था, सिर्फ बिहार ने दिया था 40 में 32, 2009 की बात करो। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का ठेका ले रखा है। साफ साफ उनकी ये भाषा थी, और ये बहुत कुछ बयान करती है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए भी 2024 संभवतः अंतिम मौका है। एक चीज और चलते चलते जो मेरा चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि उस मामले में मुझे बड़ी जानकारी कम है, मैं एक चीज नहीं समझ रहा हूँ कि 11 अगस्त क्या है। तो मुझे लगा कि पता नहीं 11 अगस्त को आखिर कौन सा ऐसा तूफान आने वाला है कि जो डेडलाइन सेट की जा रही है वो 11 अगस्त कि 11 अगस्त तक फैसला हो जाएगा। ये 11 अगस्त का मतलब क्या है? देखिए, 11 अगस्त का मतलब ये है कि जैसा कि कुछ लोग जो पोथी पत्र वगैरह देखते हैं वो लोग बताते हैं कि शायद 12 तारीख को, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि शायद 12 तारीख की सुबह 12:15 के करीब से भादो का महीना, भाद्र मास हिंदी में जो जी भादो, सावन भादो, सावन भादो, तो भादो का महीना शुरू हो जाएगा। भादो के महीने में कहा जाता है कि कोई शुभ काम अमूमन लोग नहीं करते हैं, और भादो का महीना खत्म होगा तब आश्विन के महीने का जो पहला पक्ष होगा 15 दिन, वो पितृपक्ष का समय होगा, उसमें भी कोई शुभ काम अमूमन लोग नहीं करते हैं। और इन 45 दिनों में ये चर्चा बहुत तेज है पटना में कि इन 45 दिनों में 45 एमएलए के स्ट्राइक रेट से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस की कोशिश जदयू और कांग्रेस दोनों में कर सकती है। और कैसे कर सकती है, जो अफवाह गर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेजिटिमेट टूट के लिए किसी भी दल के 2/3 विधायकों की जरूरत होती है। जदयू के पास 45 है, उसका 2/3 होता है कितना, 30 के आसपास जी, 30। कांग्रेस के पास 19 है, 19 का 2/3 होता है 13, तो 30 और 13 43, यानी 45 के आसपास की, अगर बहुत ज्यादा हो सकता है कि आर्थिक संसाधन पहुंचा दिए जाए कुछ चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से कहीं गुवाहाटी या कहीं गोवा कहीं पहुंचा दिए। आप कह रहे हैं कि एक भादो का मसला है, एक भादो में क्योंकि पितृपक्ष सब होता है और शायद बिहार के जो नेता हैं ज्यादातर वो इन सब चीजों को मानते हैं। एक मेरा अंतिम सवाल, हालांकि अंतिम में सवाल कर चुका हूँ लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कह लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार आने वाली है इसका असर लोकसभा के चुनाव में, अगर आरजेडी और जेडीयू की सरकार आ गई तो लोकसभा चुनाव होना है, 1.5-2 साल का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है, लोकसभा में आपको क्या तस्वीर दिखती है कि अगर लालू और नीतीश ये दो सामाजिक धाराएं एक साथ मिल जाएं बिहार में तो बीजेपी के लिए क्या दिक्कत होगी, मोदी जी के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि 40 सीटें बिहार में हैं और इसकी छाया जो है झारखंड में भी जाएगी जहां 14 सीटें, आप मान लीजिए 54-55 सीटें हैं और थोड़ा बहुत पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2-4 जिलों पर असर होगा, तो इसीलिए मैं कहूँ 55-56 सीटों का मामला है, इन 55-56 सीटों पे क्या असर पड़ेगा कि अगर दो दिग्गज पुराने जेपी के चेले लालू और लालू का परिवार और नीतीश ये अगर साथ हो जाएं तो ये जो गुजरात लॉबी है और जो भाजपा के जो चाणक्य हैं अमित शाह, इनके लिए क्या मतलब बहुत मुश्किल होगा लोकसभा में, कहीं ना कहीं गिनती पर असर पड़ेगा मोदी की जो गिनती है, विजयी जो गिनती है उनकी। आप जिन चाणक्य की बात कर रहे हैं, मैं अपना असेसमेंट देने के बजाय उन्हीं का असेसमेंट आपके सामने रखता हूं जो 2 साल पहले उन्होंने कहा था। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा था कि देखिए बिहार में 3 लाख
ताकतें हैं, अमित शाह ने कहा था कि तीन राजनीतिक ताकतें हैं बिहार में और तीन में दो जिस तरफ होते हैं चुनावी नतीजा उस तरफ होता है, ये उनकी स्वीकारोक्ति थी। तो इसके बाद आगे कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है कि बिहार का सामाजिक समीकरण, बिहार की का पॉलिटिकल अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट किस तरह से सोच विचार करके कोई पार्टी करती है, और अब नीतीश कुमार कोई रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे सिर्फ सत्ता बचाए रखने का गणित ही नहीं है, सत्ता में वो बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं, इसके पीछे प्रमोशन का गणित भी है। और वो मैथमेटिक्स जब सामने आता है कि अब दिल्ली की कूच की तैयारी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक, तो हम क्या ये मान लें कि बिहार का जो मन है वो मन अब यही है कि भाई अब एक नई धारा जो है निकाली जाए, और इतिहास जो है वो गवाह है इस बात का, तारीख गवाह इस बात की है कि जो बदलाव की बयार है, जो परिवर्तन की बयार है, वो ज्यादातर बिहार से ही बहती है। तो क्या मान लिया जाए कि वो बयार बहने वाली है? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन बिना पब्लिक के पल्सेज पर ध्यान दिए हुए, पब्लिक के पल्स पर ध्यान दिए बिना वो फैसले करने से कतराता है। और देश में मौजूदा माहौल जो है उसमें एक स्पष्ट है, आम लोगों से आप चौक चौराहे पे चले जाए, पहले चर्चा होती थी मोदी, अब लोग कहते हैं कि मोदी, चलो मोदी को नहीं दे तो दे किसको, अब चर्चा यहां तक आकर सिमट गई है कि मोदी को नहीं दे तो दे किसको, तो दे किसको इस वैक्यूम को भी पूरा करने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत विपक्षी दलों को है। और बिहार में भी चाहे वो अग्निवीर का प्रदर्शन रहा हो या रेलवे NTPC का रहा हो या किसान आंदोलन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, एक माहौल आम जनता में सरकार से ऊब जाने वाली प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। अब आप जान ही गए हैं कि अभिषेक ने आपको बता ही दिया है कि भाई 11 अगस्त का राज क्या है, क्योंकि सावन खत्म हो रहा है, भादो लग रहा है, वो आप सब समझ ही गए हैं। लेकिन अगर ये पैतरा नीतीश चलते हैं, कामयाब रहते हैं, जिसके चांसेस हैं, फैसला नीतीश जी को लेना है, मन बना चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही पटना से, अगर बिहार में बदलाव होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट बगल में झारखंड में होगा, जहां बार बार सरकार गिराने की साजिशें रची जा रही हैं और हेमंत सोरेन और कांग्रेस को वहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर नीतीश कुमार और लालू परिवार की सरकार वहां आती है। महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं ठाकरे को ऑक्सीजन मिलेगा, जो संघर्ष कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में उनका है, हालांकि मेरिट पे केस ठाकरे का है, कई वीडियोस में उसको बना चुका हूँ। अखिलेश यादव जो थोड़ा बहुत कॉर्नर लगते हैं, थोड़ा सा मायूस लगते हैं, उनका काडर भी, उनके कार्यकर्ता भी, नेता भी, तेजस्वी जब पावर में आएंगे और एक समाजवादियों की सरकार आएगी तो दूसरे समाजवादी को भी एक उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा 2024 के लिए, तो ये खबर अच्छी अखिलेश यादव के लिए भी है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, हाँ वो भी एक समाजवादी एक धारा है, और उधर कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, उनके पास वो संख्या बल भी है, हरियाणा में भी समीकरण बदल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा विल बी समथिंग इम्पॉर्टेंट टू वॉच, वहाँ पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। और एक और चीज़, नीतीश अगर कुर्सी पर फिर से बैठे और समाजवादियों की मदद से बैठे तो ED और CBI के डर से उनको डराया नहीं जा सकता, ये चीज़ एकदम क्लियर है। और तब धीरे धीरे 2024 का समय भी पास आता चला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है और मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आज का ये वीडियो था, कैसा लगा इस पर आप ज़रूर अपने कमेंट्स देखिएगा। और आखिर में जो मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।